हरियाणा प्रदेश में अपने सख्त तेवरों और बयानबाजी के लिए सुर्खियों में रहने वाले भाजपा नेता व राज्य गृह मंत्री अनिल विज सीआईडी चीफ से मांगी गई जानकारियों के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं। गृह मंत्री ने सीआईडी चीफ से उस रिपोर्ट की प्रति मांगी थी जो विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने सरकार को सौंपी थी। तीसरी बार मांगने के बाद गृह मंत्री के पास जो रिपोर्ट आई उससे वे संतुष्ट नहीं थे, लिहाजा गृह मंत्री ने सीआईडी चीफ की ओर से भेजे गए जवाब के दोनों लिफाफे वापस लौटा दिए हैं। गृह मंत्री के गर्म तेवरों के चलते पुलिस अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। गृह मंत्री ने 11 दिसंबर को सीआईडी चीफ से वह रिपोर्ट मांगी थी। इस रिपोर्ट में यह जिक्र है कि किस राजनीतिक दल को कितनी सीटें मिल सकती हैं, इसके अलावा किस सीट पर कौन उम्मीदवार हावी है और कौन कमज़ोर तथा उसकी मजबूती अथवा कमजोरी के क्या कारण हैं। गृह मंत्री ने सीआईडी की रिपोर्ट की तह में जाने के लिए वह रिपोर्ट तलब कर ली जो गोपनीय होती है और चुनाव के दौरान अपनी तथा दूसरे दलों की स्थिति का आंकलन कराने के लिए कोई भी सरकार तैयार करवाती है। 25 दिसंबर को इस रिपोर्ट को दोबारा मांगा गया। मंगलवार को गृह मंत्री ने रिपोर्ट नहीं मिलने पर सीआईडी अधिकारियों से जवाब तलब कर लिया। गृह मंत्री के कड़े रुख के बाद मंगलवार रात को ही दो लिफाफे गृह मंत्री के कार्यालय में भिजवा दिए गए। बुधवार को गृह मंत्री ने यह लिफाफे खोलकर देखे तो पता चला कि मांगी गई जानकारी इसमें नहीं है। हालांकि बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए विज ने कहा कि उन्होंने सीआईडी से उन लोगों की रिपोर्ट मांगी थी जिन्हें राज्य में सुरक्षा दे रखी है। विज के इस बयान को किसी तरह के विवाद से बचने वाला बताया जा रहा है। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।